नमस्कार दोस्तों, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, राहुल गांधी पर तंज कसने के चक्कर में बड़ी चूक कर बैठे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बदले में खुद अपना ही कटवा लिए। जी हां, क्या कुछ है इस खबर में आपको बताएंगे आगे। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, ज्योतिराज सिंधिया और उनकी मां को कोरोना हो गया है, उन्हें दिल्ली के मैक्स अस्पताल में भर्ती किया गया है। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बता दें, मध्य प्रदेश में सिंधिया के खिलाफ बगावत शुरू हो गई है। बीजेपी सांसद के भाई को चुनाव लड़ाने की तैयारी में कांग्रेस ने दमखम दिखा दिया है। वहीं दूसरी तरफ प्रवासी मजदूरों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को बड़ा आदेश दे दिया है। और वहीं दूसरी तरफ बिहार इलेक्शन को लेकर चुनाव आयोग का ऐलान हो गया है, इस बार M3 मॉडल के EVM से डाले जाएंगे वोट। दोस्तों, क्या कुछ है पूरी खबर, हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन इससे पहले, अगर आपको भी लगता है कि इस साल के अंत तक होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में क्या एक बार फिर भाजपा नेतृत्व वाली NDA सरकार बनाने में कामयाब हो पाएगी, या फिर कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनेगी, अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। और इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर जरूर करें। चलिए बढ़ते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें, राहुल गांधी पर तंज कसने के चक्कर में बड़ी चूक कर बैठे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। जी हां, आपको बता दें, भारत चीन के बीच लद्दाख में तनाव जारी है और इधर दिल्ली में राजनीतिक तनाव बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को सहराना अंदाज में सरकार को घेरा, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी सहराना सहारा लिया, लेकिन इसी मामले में राजनाथ सिंह से चूक हो गई। दरअसल आपको बता दें, भारत चीन विवाद को लेकर सैन्य और राजनीतिक स्तर पर बातचीत को लेकर सोमवार को पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा था। राहुल गांधी ने सराहना अंदाज में निशाना साधते हुए अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, सबको मालूम है सीमा की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को शायद ही यह ख्याल अच्छा है। और अब इसी का जवाब देते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पलटवार करते हुए अपने एक ट्विटर हैंडल पर एक शायरी लिखी। राजनाथ सिंह ने लिखा कि मिर्जा गालिब का ही शेर थोड़ा अलग अंदाज में है, हाथ में दर्द हो तो दवा कीजिए, हाथ ही जब दर्द हो तो क्या कीजिए। इसी शायरी को उन्होंने कल अपने वर्चुअल रैली में महाराष्ट्र को संबोधित करते हुए भी दोहराया था। हालांकि राजनाथ सिंह ने इस सराहना अंदाज खूब सुर्खियां बटोरी, लेकिन वो शायर को लिखने में भूल कर बैठे, क्योंकि आपको बता दें, उन्होंने जो ट्वीट में शायरी का जिक्र किया है और उन्होंने कल अपने वर्चुअल रैली में महाराष्ट्र संबोधित करते हुए जो शायरी बोला था, असल में वह शायरी मिर्जा गालिब की नहीं है, बल्कि मशहूर शायर मंजर लखनवी का था। इसमें उन्होंने मिर्जा गालिब का जिक्र किया था। हालांकि उन्होंने अपने ट्वीट में जिस शायरी का जिक्र किया, वो मिर्जा गालिब का नहीं था। हालांकि राजनाथ सिंह ने शेर को थोड़ा बदला और दिल की जगह हाथ लिखा, उन्होंने शेर में सिर्फ कुछ हिस्सा ही लिखा था। हालांकि राजनाथ सिंह ने जिस गजल का सहारा लिया, उसकी ओरिजिनल गजल का हिस्सा इस प्रकार है, जिसे मंजर लखनवी ने लिखा था, दर्द हो दिल में तो दवा कीजिए, और जो दिल ही ना हो तो क्या कीजिए, गम में कुछ गम का मसगला कीजिए, दर्द की दर्द से दवा कीजिए। लेकिन राहुल गांधी ने जिस शेर से पेड़ा ली, वो मिर्जा गालिब का ही था। असली में शेर कुछ इस प्रकार है, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब के ख्याल अच्छा है। सोशल मीडिया पर भी राजनाथ सिंह की इस चूक पर लोगों का ध्यान गया और ट्विटर पर लगातार लोगों ने इस गलती की ओर इशारा किया। वहीं दूसरी तरफ बिहार से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, बिहार इलेक्शन को लेकर चुनाव आयोग का ऐलान आ गया है, इस बार M3 मॉडल के EVM 3 से वोट डाले जाएंगे। जी आपको बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर यह बड़ी खबर है। इस बार चुनाव एक नए प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से कराया जाएगा। EVM को M3 नाम दिया गया है। बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी HR श्रीनिवास ने राज्य के सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी को इस बाबत निर्देश जारी कर दिया है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने पूरी जांच के बाद इसके इस्तेमाल को मंजूरी दी है। आपको बता दें कि अब तक EVM के मॉडल 2 से चुनाव होते आए हैं। अक्सर यह देखा जाता है कि हर चुनाव के बाद हारने वाली पार्टियां अपनी हार की ठीकरा EVM पर ही फोड़कर धांधलेबाजी का आरोप करती हैं। इसलिए अब भारत निर्वाचन आयोग EVM M3 यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन Mark 3 का इस्तेमाल करने जा रही है। बताया जाता है कि EVM की चिप को सिर्फ एक बार ही प्रोग्राम किया जा सकता है और चिप के सॉफ्टवेयर को पढ़ा भी नहीं जा सकता। इसे ना तो इंटरनेट ना ही किसी नेटवर्क से जोड़ा जा सकता है। यहाँ तक कि इसे खोलने की कोशिश भी की गई या मशीन छेड़छाड़ करने वालों की फोटो खींच कर खुद बंद हो जाएगी। इसके अलावा EVM Mark 3 में 384 प्रत्याशियों की जानकारी रखी जा सकती है। नई मशीन के प्रयोग से वोट किसी को देने और पर्ची किसी अन्य का निकलने की शिकायतें रुकेंगी। EVM का बटन दबाने पर उनके साथ जोड़े गए VVPAT से कागज की एक पर्ची निकलती है। इस पर्ची पर उस प्रत्याशी का नाम और चुनाव चिन्ह होता है, जिसे वोट दिया जाता है। यह पर्ची VVPAT के
करीब 10 सेकंड तक दिखती है। इस व्यवस्था से मतगणना के दौरान शिकायत मिलने पर पर्ची से मिलान संभव होगा। वहीं बढ़ते दूसरी बड़ी खबर की तरफ, आपको बता दें ज्योतिराज सिंधिया और उनकी मां को कोरोना हो गया है। जी हां, आपको बता दें भाजपा नेता ज्योतिराज सिंधिया और उनकी मां की तबीयत खराब होने के बाद दिल्ली के साकेत स्थित मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सिंधिया और उनकी मां में कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। फिलहाल दोनों लोगों की हालात सामान्य बताई जा रही। जानकारी के अनुसार सिंधिया और उनकी मां गले में खराश और बुखार की शिकायत होने पर सोमवार को ही साकेत स्थित मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया। आज दूसरे दिन उनके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। हालांकि कल ही दोनों का कोरोना टेस्ट किया गया था। मंगलवार को आई उनकी रिपोर्ट में दोनों के कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है। अभी तक उनके कोरोना संक्रमण की चपेट में आने का स्रोत पता नहीं चल सका है। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बता दें सिंधिया के खिलाफ बगावत शुरू हो गई है। बीजेपी सांसद के भाई को चुनाव लड़ने की तैयारी में कांग्रेस। जी हां, आपको बता दें मध्य प्रदेश की सियासत में एक बार फिर से बगावत की आहट दिखाई देने लगी है। ज्योतिराज सिंधिया के भाजपा में शामिल होने के बाद भाजपा के कई नेता अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर संयस में है। गुना शिवपुरी संसदीय सीट से पहली बार ज्योतिराज सिंधिया को चुनाव हराने वाले केपी यादव के घर में बगावत के संकेत मिले हैं। सांसद केपी यादव के भाई ने मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री सचिन यादव से मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद एक बार फिर से अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। पूर्व मंत्री सचिन यादव सोमवार को अशोक नगर दौरे में थे। सचिन यादव भाजपा सांसद डॉक्टर केपी यादव के सतहरी स्थित घर पहुंचे, जहां वो करीब 40 मिनट तक रुके, सांसद के दोनों भाइयों से मिले। यह मुलाकात चर्चा का विषय बनी हुई है। हालांकि पूर्व मंत्री ने कहा कि सांसद के भाई अजय पाल यादव और महेंद्र यादव स्कूल में मेरे सीनियर रहे और पारंपरिक संबंध होने से मुलाकात हुई है। कहा जा रहा है कि सांसद केपी यादव के भाई अजय पाल को मुंगावली विधानसभा से कांग्रेस अपना उम्मीदवार बना सकती है। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बता दें राजनाथ सिंह की शायरी पर राहुल गांधी का पलटवार। बोले टिप्पणी हो गई हो तो जवाब दे दे। जी आपको बता दें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा उन पर निशाना साधे जाने को लेकर मंगलवार को पलटवार करते हुए सवाल किया कि क्या चीन के सैनिक ने लद्दाख में भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने ट्वीट किया, अगर रक्षा मंत्री का हाथ के निशाने पर टिप्पणी करने का काम पूरा हो गया हो तो वह इसका जवाब दे सकते हैं कि क्या चीन के सैनिक ने लद्दाख में भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। गौरतलब है कि राहुल गांधी ने मौजूदा समय में देश की रक्षा नीति को वैश्विक स्वीकृति मिलने संबंधी गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर सोमवार को उन पर सायराना अंदाज में निशाना साधा। दरअसल शाह ने बिहार में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रविवार को की गई सभा में कहा था कि भारत की रक्षा नीति को वैश्विक स्वीकृति मिली है। अमेरिका और इसराइल के बाद पूरी दुनिया इससे सहमत है कि यदि कोई देश अपनी सीमाओं की रक्षा करने में सक्षम है तो वह भारत है, जिसके बाद राहुल ने सवाल उठाया था। राहुल गांधी भारत और चीन के बीच सीमा पर गतिरोध को लेकर पिछले कुछ हफ्ते में सरकार से सवाल कर चुके हैं। पिछले दिनों उन्होंने सवाल किया था कि क्या सरकार इस बात की पुष्टि कर सकती है कि चीन का कोई भी सैनिक भारतीय सीमा में दाखिल नहीं हुआ है। वही अगली बड़ी खबर में आपको बता दें प्रवासी मजदूरों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, मोदी सरकार को दिया ये बड़ा आदेश। जी हाँ, प्रवासी मजदूरों के मामले में सुप्रीम कोर्ट के अहम आदेश को सुनाते हुए मंगलवार को कहा कि जो मजदूर वापस जाना चाहते हैं उन्हें 15 दिन में वापस भेजा जाए। कोर्ट ने और राज्यों से हलफनामा मांगा है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि राज्य 15 दिन में बचे हुए श्रमिकों को उनके गांव तक भेजे, श्रमिक ट्रेन चलाई जाए ताकि उनको यात्रा के लिए अप्लाई करने के 24 घंटे में ही ट्रेन मिल जाए। कोर्ट ने कहा कि पलायन करने का मन बना चुके प्रवासी श्रमिकों को आज से 15 दिन के अंदर अपने गांव या जहां वो जाना चाहें भेजने का समुचित इंतजाम सुनिश्चित किया जाए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रवासियों को नौकरी देने के लिए एक स्कीम तैयार हो, रोजगार प्रदान करने के लिए डेटा की जांच हो, साथ ही प्रवासियों की पहचान के लिए योजना निर्धारित हो, प्रवासियों की स्किल मैपिंग हो ताकि तय करना आसान हो कि उन्हें कुशल या अकुशल कौन सा कार्य सौंपा जाए, प्रवासियों के खिलाफ सभी शिकायतों व मुकदमों को वापस लिया जाए, रद्द किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने उन प्रवासी कामगारों के खिलाफ सभी पुलिस शिकायतों को वापस लेने का आदेश दिया जिन्हें अपने कार्यस्थलों से घर जाने का प्रयास करते हुए लॉकडाउन मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए दर्ज किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को कहा कि जो अपने कार्यस्थल से घर जाना चाहते हैं और उनकी यात्रा की व्यवस्था करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी शेष प्रवासी श्रमिकों के परिवहन की प्रक्रिया 15 दिनों में पूरी होनी चाहिए। वहीं दूसरी बड़ी खबर में आपको बता दें अमित शाह पर ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस का पलटवार, ट्वीट कर इस बात की दिलाई याद। जी हां, आपको बता दें पश्चिम बंगाल के लिए गृह मंत्री अमित शाह द्वारा मंगलवार को की गई वर्चुअल रैली में
सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा था। इसका टीवीएस ने जवाब दिया है। तृणमूल कांग्रेस के अमित शाह को याद दिलाया है कि किस तरह से उनके लोगों ने कोलकाता में ईश्वर चढ़ विद्यासागर की मूर्ति को तोड़ा था और वह बंगाल की संस्कृति को पुनः स्थापित करने की बात कर रहे हैं। टीएमसी ने अमित शाह को भारत की समावेशिता के लिए खतरा बताया। उन्होंने कहा है कि पिछले साल लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कोलकाता में अमित शाह का रोड शो हुआ था। इस दौरान हुई हिंसा में विद्यासागर कॉलेज में लगी ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मूर्ति को उपद्रवियों ने तोड़ दिया था, जिसके बाद टीएमसी ने इस मुद्दे के लिए बीजेपी सरकार को कसूरवार ठहराते हुए इसे बंगाल की अस्मिता के साथ जोड़ दिया था। यह हिंसा 15 मई 2019 को हुई थी। इसके बाद 11 जून 2019 को सीएम ममता बनर्जी ने विद्यासागर कॉलेज पहुंचकर नई मूर्ति का अनावरण किया था। मंगलवार को टीएमसी नेता ममता बनर्जी की वही फोटो शेयर करते हुए बीजेपी पर कांग्रेस ने हमला किया है। टीएमसी ने अपने ट्वीट में लिखा कि अमित शाह, जिन्होंने खुद इस देश की समावेशिता को खतरे में डाला है, वो बंगाल की संस्कृति को पुनः स्थापित करने की बात कर रहे हैं। क्या उन्हें यह याद नहीं वो ममता बनर्जी थी जिन्होंने विद्यासागर की मूर्ति को पुनः स्थापित करवाया था, जिन्हें उनके आदमियों ने उनके सामने ही तोड़ा था। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बता दें, कोरोना वायरस पर WHO की फिर चेतावनी। जी आपको बता दें, दुनिया में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस के मामले के बीच WHO के प्रमुख ने चेतावनी दी है कि कोरोना वायरस महामारी विश्व स्तर पर बिगड़ रही है। हालांकि यूरोप में स्थिति में सुधार हो रहा है। जिनेवा में ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस में WHO प्रमुख टेड्रोस एडहानेस ने कहा कि यूरोप की स्थिति में सुधार हो रहा है, लेकिन वैश्विक स्तर पर हालात बिगड़ते जा रहे हैं। टेड्रोस ने कहा कि 75% मामले रविवार को 10 देशों अमेरिका और दक्षिण एशिया से। उन्होंने नोट किया कि 1,00,000 पिछले 10 दिनों में दर्ज किए गए हैं और रविवार को अब तक सबसे अधिक 1,36,000 मामले दर्ज किए गए। उन्होंने कहा कि अफ्रीका के अधिकांश देशों में अभी भी मामलों में वृद्धि देखी जा सकती है, जिसमें नया भौगोलिक क्षेत्र भी शामिल है। हालांकि महाद्वीप के अधिकांश देशों में 1,000 से कम मामले हैं। टेड्रोस ने कहा कि उसी समय हमने कहा था कि दुनिया भर के कई देशों में पॉजिटिव लक्षण दिखाई दे रहे हैं। इन देशों में अब सबसे बड़ा खतरा निष्क्रियता है। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक बड़े एक्सपर्ट ने कहा है कि भारत में अभी कोरोना का विस्फोट नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा होने का खतरा बरकरार है। मार्च में लागू किए लॉकडाउन को खत्म किया जा सकता है और ऐसे में कोरोना केसों की संख्या तेजी से बढ़ सकती है। WHO हेल्थ इमरजेंसी प्रोग्राम के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर माइकल रयान ने पिछले शुक्रवार को कहा था कि इस समय भारत में डबलिंग रेट करीब 3 सप्ताह है। उन्होंने कहा कि इसलिए महामारी की दिशा अभी घातकीय नहीं है, लेकिन यह बढ़ रही है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि भारत में महामारी का असर देश के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग है। शहरी और ग्रामीण इलाकों में हालात अलग है।